पर आ जाए। चेयरमैन मोदी जी ने कहा कि 25-26 तारीख से पहले यानी कि तक परिणाम जारी हो जाएगा। वही सूचना शाही भर्ती का परिणाम भी विज्ञप्ति वो 20 तारीख से पहले जारी हो जाएगी, यानी कि दो बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा जो 82 नंबर वाले रीट वाले कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे 2022 के जो रीट लेवल 1 के थे, तो उसकी भी जो गड़बड़ी थी वो दूर कर दी गई है, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो पीटीआई भर्ती का परिणाम वाले थे, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, लाइब्रेरियन के परिणाम वाले थे, फायरमैन भर्ती के परिणाम वाले थे, तो अलग अलग भर्ती के लोग यहाँ आए थे, तो उनकी भी बात रखी है। तो पहले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का, फिर प्रयोगशाला सहायक का, फिर लाइब्रेरियन का, फिर पीटीआई का और फायरमैन का, तमाम भर्तियों का परिणाम जारी होगा। वैसे जो अग्निशमन अधिकारी का भी परिणाम तत्काल जल्द जारी होगा। तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ में जो पेपर लीक माफिया है जिनकी संपत्ति जब्त की जाए और उनके जो परिवार में जो भी चिन्हित करके तमाम संपत्ति जब्त की जाए, माफियों को पकड़ा जाए। किराए की बिल्डिंग को ढहाने से या बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं होगा युवाओं के साथ। आप उन युवाओं के साथ न्याय तब होगा तब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, अपराधी जेल के अंदर होंगे और चुन चुन कर अंदर जेल में डाला जाएगा, नए कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी हम मांग कर रहे हैं आज।